वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन जो है गुदसेट की बहुत सही चल रही होगी। एज वी ऑल नो, 31st ऑफ मार्च को हमारा गुदसेट का एग्ज़ाम है। तो गुदसेट के एग्ज़ाम के अंदर ऑलरेडी नोटिफिकेशन आया था, जो मैंने आपको बता दिया था कि गुदसेट का हॉल टिकट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, गुजरात बोर्ड की साइट से। तो आपने हॉल टिकट जो है आपका वो डाउनलोड कर लिया होगा। वो हॉल टिकट के साथ आपको आपका जो आधार कार्ड है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर 12th का बोर्ड का जो हॉल टिकट था वो आप कैरी करके जा सकते हो। तो बेस्ट तो यही रहेगा 12th का बोर्ड का हॉल टिकट हम कैरी करके जाएं, साथ में रेड पेन और ब्लैक बॉल पेन जो है वो अलाउड है। सिंपल कैल्सी आप लेके जा सकते हो, साइंटिफिक कैल्सी अलाउड नहीं है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, कैल्सी में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है बट साइंटिफिक कैल्सी अलाउड नहीं है। रेड पेन और ब्लैक पेन, ठीक है, बॉल पेन इतना अलाउड है। साथ में और कोई चीज़ आप कैरी करके मत जाओ, ठीक है। जस्ट अभी न्यूज़पेपर में भी कुछ आर्टिकल्स आए हैं जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे रख रहा हूँ, आप उसको रेफ़र करो। और उसके भी यहाँ पे जो गाइडलाइंस दिए हैं वो भी मैं गुजराती में है बट मैं उसको हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको समझाता हूँ कि क्या है प्रॉपर वो बातें जो आपको वहाँ पे गुदसेट के एग्ज़ाम के अंदर अवॉइड करनी है। दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है दिव्य भास्कर के अंदर ये आर्टिकल आया था कि ये सब केसेस जो हैं उसके अंदर आप जो है, ठीक है, फंस सकते हो। आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं करनी है। ये सब केसेस जो हैं उन बच्चों को यहाँ पे उनका रिजल्ट जो है, ठीक है, वो आपका कैंसिल हो सकता है रिजल्ट। तो सबसे पहला लिखा है के एग्जाम हॉल के अंदर आपको आपका हॉल टिकट सिंपल कैल्सी ब्लैक, ठीक है, और रेड पेन जो है वो साथ में आपको लेके जाना है। उसके अलावा कोई भी आपको चीज लेके नहीं जाना है। कोई आपके आसपास कोई स्टूडेंट है जो आपको कोई आंसर पूछ रहा है, कोई आपको साइन लैंग्वेज से कुछ पूछ रहा है, और वहां पे जो भी सुपरवाइजर है उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो आपको एग्जाम हॉल से बाहर निकाल सकते हैं। वहां पे जो भी सुपरवाइजर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो आपको जो इंस्ट्रक्शन दे वो आपको फॉलो करनी है। उसके अगेंस्ट आप जाओगे तो भी ऐसा हो सकता है। अगर ओएमआर शीट या क्वेश्चन पेपर या बारकोड जो है अगर कोई डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, कोई फाड़ने की कोशिश करता है, तो भी ऐसा हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन पेपर जो आपका क्लासरूम है उसके बाहर कोई खिड़की से बाहर कोई फेंकने की कोशिश करता है तो भी ऐसा हो सकता है। ओएमआर के अंदर आप कोई भी साइन लैंग्वेज यूज करोगे, ठीक है, तो भी यहाँ पे आप पे वो जो केस है वो हो सकता है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 1.37 लाख स्टूडेंट्स जो है वो गुदसेट का एग्जाम इस साल देने वाले हैं। गुजरात बोर्ड के अलावा 18,305 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस साल गुदसेट के लिए रजिस्टर किए गए हैं। बिहार बोर्ड के 54, सीबीएसई के 13,570 बच्चे, सीआईएससी के 542, महाराष्ट्र के 230, नेशनल ओपन स्कूल के 546, राजस्थान के 72, यूपी के 56 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पता ही है कि रूरल एरिया जो है उसमें से 18,401 बच्चे गुदसेट के लिए रजिस्टर हुए हैं। 31st को गुदसेट होने वाली है। पहले सेक्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होगा और सेकंड सेक्शन में बायोलॉजी और थर्ड सेक्शन में मैथ्स का पेपर होने वाला है। तो ये दोस्तों बहुत बड़े अपडेट हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। गुदसेट के एग्जाम को लेकर अगर आपको और कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका वीडियो बना के या कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई, आपको जो कमेंट है आपकी वो रिप्लाई करके मैं जल्दी से आपको आपका क्वेश्चन जो है, क्वेरी जो है, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो। गुदसेट का एक कोर्स भी मैंने लॉन्च किया है जिसमें ऑलरेडी हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है वो 4 चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। क्वालिटी मटेरियल है एमसीक्यू का, क्योंकि हर चैप्टर से 40-50 एमसीक्यू अभी तक गुदसेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज, उसका मटेरियल है। लास्ट 10-15 साल का गुदसेट का पेपर
क्वालिटी जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करके मैं बच्चों को समझाता हूँ वो चीज़ें आपको मिल जाएगी। अभी ऑर्गेनिक पूरा पढ़ाना बाकी है, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से आप ज्वाइन कर लो। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं और कुछ यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई हैं गुडसेट में, वो चीज़ें ऑलवेज एग्जाम में आती है, हर गुडसेट के एग्जाम में आती है। तो कोर्स में जल्दी एनरोल कर लो आप, ठीक है? 1000 रुपीज़ बहुत नॉमिनल फीस है उसकी, जल्दी से आप लोग एनरोल कर लो। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक भी दे देता हूँ और पूरा प्रोसीजर लिख देता हूँ कैसे आप उसको उसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, पढ़ते रहो आप। जय हिंद।